कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लोकसभा में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी अपने वचन पे आज भी खड़े हैं और हमें पूरी उम्मीद है नेता विपक्ष के तौर पर भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस उनसे भी ये अपील एक बार फिर करेगी कि अपनी इस मांग को जो संसद में उठाया कि पास करो और फिर राहुल गांधी जी ने कहा लागू भी करो, क्योंकि पास हो गया है लेकिन लागू नहीं हुआ है। हम इस मांग को दोहराते हैं और इस मांग को लेकर हमारे आंदोलन की ये पहली सबसे बड़ी मांग है जिसपे देश भर से महिलाएं 29 जुलाई दिन सोमवार राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगी और आंदोलन की हम देशव्यापी शुरुआत करेंगे। हमारी इस आंदोलन की दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि आज महिलाएं बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी का शिकार हो रही हैं। बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के कारण बहुत सी बहनों ने बताया वो घरेलू हिंसा का भी शिकार हो रही हैं। हम मांग करते हैं कि देश की आधी आबादी को महंगाई से राहत दी जाए। उम्मीद थी कि इस बजट में महिलाओं को महंगाई से राहत मिलेगी, पर यह बजट निराशा भरा रहा। ना महिलाओं के लिए नौकरियां और ना महंगाई से राहत की इसमें कोई चर्चा हुई। हमारी मांग है कि महिला को यहां पर महालक्ष्मी योजना लागू करने का हम मांग करते हैं। क्या थी ये महालक्ष्मी योजना? कांग्रेस के न्याय पत्र में महालक्ष्मी योजना की महंगाई और बेरोजगारी से लड़ने के लिए देश के हर गरीब परिवार की एक महिला को साल का 1,00,000 रुपया आर्थिक मदद दी जाएगी। हर महीने लगभग 8,500 के करीब सीधा उनके बैंक खातों में डाला जाएगा। हम ये मांग करते हैं कि ये जो आर्थिक मदद है महालक्ष्मी योजना को, महिलाओं को बेरोजगारी राहत, महंगाई से राहत देने के लिए सीधा उनके खातों में पैसा डालकर उनका आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक न्याय किया जाए।